तो वो क्या है, दीज दीज आर वी कैन नेम दीज थिंग्स एज सीरीज रिएक्शंस। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस एक छोटा सा टाइप ऑफ प्रॉब्लम है, सीरीज रिएक्शंस। ठीक है, तो सीरीज रिएक्शंस में क्या है, एक्चुअली एक के बाद एक कंटिन्यूअसली रिएक्शंस जो हैं, ये एक्चुअली क्या होती हैं कि दे कीप ऑन हैपनिंग, द प्रॉब्लम डजंट स्टॉप एट वन रिएक्शन। ठीक है, एंड व्हेन प्रोडक्ट्स ऑफ वन रिएक्शन, when products of one reaction are immediately consumed, are immediately, yeah, sort of chain reaction, are immediately consumed, ठीक है, in some other reaction, तो इसके numericals भी जो हैं, वो तुम्हें बिल्कुल normal जैसे करते हो वैसे ही करने हैं, जिसमें कुछ भी डिफरेंट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल देखो, आई एम गिविंग आउट अ स्मॉल पार्ट। फॉर एग्जाम्पल एक सवाल हम लिख रहे हैं भाई बच्चों, 39 ग्राम ऑफ बेंजीन वॉज 39 ग्राम ऑफ बेंजीन वॉज कंबस्टेड इन एयर, वॉज कंबस्टेड इन एयर टू प्रोड्यूस CO2 एंड H2O। इफ CO2 प्रोड्यूस्ड, इफ CO2 प्रोड्यूस्ड इज पास्ड ओवर रेड हॉट चारकोल, रेड हॉट चारकोल, कार्बन सॉलिड, बेसिकली चारकोल इज सिंपली कार्बन, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस एट STP। मतलब एक बहुत ही सिंपल सा सीरीज रिएक्शन है, और इसमें वो तुम्हें रिएक्शन नहीं दे तो भी चलेगा, प्रॉब्लम जल्दी। सर चारकोल का क्या C5 है? सी सॉलिड, सर बेंजीन का फॉर्मूला H6 होता है। C6H6, अच्छा C6H6, तुम लोगों ने अगर स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा नहीं देखा है सर, वो रिंग रहती है ना। आंसर अल्टरनेट डबल बॉन्ड्स सर, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं। हाँ, आई होप ठीक है सभी ने देखा हो, ठीक है इसमें दिख रहा होगा ना अभी। हाँ सर, ठीक है, एंड फिजिकली बेंजीन जो है वो एक्चुअली सिंपली एक ऑलमोस्ट ठीक है ट्रांसपेरेंट लिक्विड टाइप दिखाई देगा बस, मतलब पानी में इसमें कुछ फर्क समझ में नहीं आएगा तुम्हें, दिस इज प्योर बेंजीन। सर ये सेंस वगैरह में यूज होता है ना? एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं वो ऑफन सेंट्स वगैरह में यूज होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स ये सब सेंट्स वगैरह में यूज होते हैं, एंड दे आर ऑल ओके कार्सिनोजेन। सही है, एक्चुअली होता है क्या? क्या बोल रहे हो बेटा?
एक्सप्लोजिव होता है क्या बेंजीन? नहीं, एक्सप्लोजिव वाली बात नहीं है। तो खैर, रिएक्शंस की जहां तक बात है बच्चों, तो रिएक्शंस हम लोगों ने, हाँ प्रसून, आई थिंक आंसर इज करेक्ट। देखो रिएक्शंस हम लोगों ने क्या है कि भाई सबसे पहले बेंजीन की C6H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है, और बैलेंस कर दिया तो भाई मेरे पास में 6CO2 और 3H2O, 6 × 2 = 12, 13, 14, 15/2। और जब तुम्हारे पास सीरीज रिएक्शंस हैं तो मैं थोड़ा सा गैप लेके, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, देखो यहां पे लिख देता हूं नेक्स्ट रिएक्शन CO2 प्लस नेक्स्ट स्टेप में जो कार्बन, जो कोल है मेरे पास में, जो कोयला है, उससे कंबाइन करके ये चीज किसमें कन्वर्ट हो जा रही है, CO, और इसको बैलेंस कर रहा हूं तो मेरे पास में 2CO आ जा रहा है। तो हमें ये सवाल क्या है कि बहुत ही हैपेजार्ड वे में नहीं करना है, बहुत ही डिसिप्लिन्ड और सलीके से जाए, जो जिसके नीचे जो डेटा दिया है बस वही नोट करते जाओ। 39 ग्राम बेंजीन, ठीक है, दैट मींस मोल्स में कन्वर्ट किया तो 0.5 मोल्स ऑफ बेंजीन मेरे पास में है। अब सीरीज रिएक्शन में क्या होगा, हमेशा एक जो है प्रोडक्ट वो कॉमन रहेगा, ठीक है, तो तुम यहां पे देख सकते हो कि जो CO2 है, ठीक है, दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड बिलो लाइक दिस। तो बेसिकली मुझे CO2 का अमाउंट बनाना है इससे, और ये जो अमाउंट बनेगा इसको मुझे ट्रांसफर करना है इससे। 3 moles, यस प्राप्ति, यस मोल, तो 0.5, तो मैं यहां पे अगर x मोल्स लिख देता हूं तो मेरे पास में x/6 = 0.5/1, तो x = 6 × 0.5, दैट इज इक्वल टू 3 moles। 3 moles मेरे पास किसके आ गए भाई, CO2। अच्छा यहां पे क्या है, जब मैं नीचे सामान ट्रांसफर करता हूं तो ऑफन बच्चे क्या है थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, कभी कभी, नॉर्मली सबको क्लियर है कि सर 6 CO2 के 3 moles थे तो 1 CO2 के क्या मुझे ऐसा है कि 3/6 moles लेने हैं, मतलब ये, मतलब इस नंबर का क्या सिग्निफिकेंस है, यहां 6 था यहां 1 हो गया है, दोनों नंबर सेम होने चाहिए क्या? तो मैं तुम्हें पहले तो ये बात क्लियर कर देता हूं कि हाँ सबू, देखो कि ये नंबर और ये नंबर बच्चों, ये दोनों नंबर्स जो हैं, ये दोनों नंबर्स हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर्स हाइपोथेटिकल नंबर्स हैं, दे आर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, दे आर स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, इनका एक्चुअल नंबर से कोई मतलब नहीं है, इनका एक्चुअल नंबर से कोई मतलब नहीं है। यस अभिनव, बस एक मिनट, ठीक है, ये जो नंबर नीचे लिखे हुए हैं, देखो जो मैं यहां नंबर लिखूंगा और जो यहां नंबर लिखूंगा, ये क्या है, ये एक्चुअल मोल्स हैं, ये एक्चुअल मोल्स हैं, दे मस्ट बी सेम, ये सेम होने पड़ेंगे यहां पे, वो स्टोशियोमेट्री सेम होना जरूरी नहीं है, नीचे के नंबर सेम होना जरूरी है। तो यहां पे जो मेरे पास में 3 moles आए हैं, यहां पे 3 moles आएगा पहले तो ये बात है, और फिर मैं क्या करूंगा बताओ, इसके मोल्स में वाई मोल्स मान लेता हूं, अब मैं वापस से मोल्स बाय सोशियोमेट्री लगा दूंगा, 6/1 = y/2 = 6 moles। यस तनिष, यस अभिनव, ठीक है, देखो प्रसून समझा गया भाई, कुछ शायद कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ। सेम क्यों लेके चल रहा, क्योंकि वही CO2 जो है वही कंज्यूम हो रहा है नीचे के रिएक्शन, यही सीरीज रिएक्शन का पॉइंट है, CO2 और H2O बना, और जो CO2 बना उसको हमने फर्दर रिएक्शन में कंज्यूम किया हम लोग ने, क्या बोल रहे हो, उतना ही मतलब हम लोग ने कंज्यूम किया दूसरे रिएक्शन में भी, नहीं दिया तो क्या मानोगे बेटा बताओ, नहीं उतना ही कंज्यूम किया ना हम लोगों ने, बस ये मान लो नहीं दिया तो क्या मानोगे, तो बोलो नहीं मतलब क्या, तो मैं सवाल सर वो बोल रहा था कि अगर सेम मानना है कि दोनों रिएक्शन, मैं वही बोल रहा हूं तीसरी बार तुमको भी बेवकूफ, कि अगर नहीं दिया तो क्या मानोगे भाई, सेम ही मानूंगा, तो फिर वही किया ना मैंने, जब कुछ नहीं दिया तो क्या करोगे भाई, CO2 भी नहीं पता है, C भी नहीं पता है, तो CO कैसे निकालोगे, ठीक है, वही तो हेडिंग है अपनी कि प्रोडक्ट्स ऑफ वन रिएक्शन आर इमीडिएटली कंज्यूम्ड इन सम अदर रिएक्शन, तो उतना ही तो लोगे भाई, तो y = 6 moles,
22.4 into 6 is equal to 134.4 liters हमारा आंसर है। POAC से भी कर सकते हैं ना? क्या कर सकते? हाँ, एक्चुअली इस सवाल को POAC से कर सकते हैं। POAC से इस सवाल को कैसे करोगे बताओ? पहले POAC किस पे लगाना पड़ेगा तुम्हें? सर पहले कार्बन पे लगाएंगे। तब तो दिक्कत है। कार्बन पे लगाओगे तो मुझे बताओ इस कार्बन मोनोऑक्साइड में? नहीं सर, फर्स्ट इक्वेशन में। फर्स्ट इक्वेशन में कार्बन पे लगाएंगे और उसके बाद सेकंड इक्वेशन में किस पे लगाओगे? सेकंड में ऑक्सीजन पे लगाएंगे। ऑक्सीजन पे, सेकंड में ऑक्सीजन पे लगाएंगे। सही बात है। सेकंड में कार्बन में क्यों नहीं लगा सकते? तुम खुद देखो ना बेटा, रिएक्टेंट्स में दो जगह है ना। अच्छा, समझा? समझ गया सर। देखो भाई, सबने कॉपी कर लिया? हाँ जी सर। हाँ सर। तो यस सर, मैं तुम्हें एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम देता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हें एक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम देता हूँ। तो देखो भाई, लिखो अ सैंपल ऑफ सैंपल ऑफ 9268 ग्राम मिनी चॉकलेट। सवाल है, चलो सर। 9268 बोला? 9268 ग्राम of lead nitrate that is PbNO3 whole twice. A sample of 9268 gram of lead nitrate. ठीक है, अच्छा मैं तुमसे पूछते हुए चल रहा हूं साथ साथ में, ठीक है? के 9268 ग्राम। यशिका हो गया भाई? यशिका यस सर। 9268 ग्राम लेड नाइट्रेट से क्या निकाल लेंगे यशिका? मोल्स, ठीक है? तो इज थर्मली डीकंपोज्ड टू प्रोड्यूस, या थर्मली डीकंपोज्ड एज गिवन। So do you might not knowing the reaction, you might be not knowing the reaction for this lead nitrate thermal decomposition. Say actually lead oxide banta hai solid plus NO2 gas nikalti hai plus O2 gas nikalti hai. You know this? Sir, last sir. Career reaction tha. Of yes yes. ठीक है, तो PbO plus NO2 plus O2. अच्छा, the NO2 produced is used for manufacturing of HNO3. As shown, NO2 plus O2 plus H2O gives HNO3, nitric acid. ठीक है, रुक जाओ सद्गुण, रुक जाओ प्राप्ति, HNO3. अच्छा, अब मुझे सब लोग सोच के बताएं, अगर NO2 के मोल्स आ गए, NO2 के मोल्स नीचे कैरी करके मैं किसके मोल्स निकाल लूंगा? HNO3 के, है ना? इफ 14 मोल्स ऑफ प्योर HNO3 वर ऑब्टेन, ओ शिट, ये तो इसने मोल्स दे दिए HNO3 के। अब अगर उसने HNO3 के मोल्स दे दिए हैं, ठीक है, तो भाई अब सवाल क्या हो सकता है? फाइंड द नंबर ऑफ H2O मोल्स या O2 मोल्स। 14 मोल्स ऑफ प्योर HNO3 वर ऑब्टेन्ड, then find if lead nitrate was in excess percentage purity
of original sample given. हाँ सतगुरु रुक जाओ परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ओरिजिनल सैंपल गिवन गिवन लेड इज इक्वल टू 207 यस फर्स्ट टाइम सतगुरु क्या बोल रहे हो ओरिजिनल सैंपल मतलब PbNO32 होगा ना हाँ यार और क्या होगा बताओ ओके अद्वैत ओके तनिष अभी देखते हैं रुको यस यस चलवा सही है बेटा लेकिन आंसर ये नहीं है ना क्योंकि हमें और कुछ निकालना है आदित्य नन्य आंसर कल्याणी कहीं कोई हरकत नहीं है तुमसे कुछ पता ही नहीं है तुम हो कि नहीं हो ओके यस प्रसून क्या हो गया रुको 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 मनस्वी ओमर Yes, sir. I'm waiting. Oh, yes. Yadnesh. Yes, sir. कहाँ तक पहुँचा? सर कर रहा हूँ percentage find. ओके अर्णव प्राप्ति यू आर थोड़ा सा प्राप्ति गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं अर्णव थोड़ा सा गड़बड़ है आदित्य जायसवाल दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट यस सी टिल नाउ आई हैव रिसीव्ड three correct answers but I'm still waiting for 2 minutes yes Kalyani good awesome yes it's correct finally you are there Sriharan थोड़ा सा श्रीहरन कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ है स्वागतम इट इज करेक्ट पार्थ इट इज करेक्ट वत्सल नहीं 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 अभिनव गड़बड़ है आयान आयान इट इज करेक्ट यस ये आयान क्या कोड नेम है तुम्हारे नाम के पीछे
मुझे पता नहीं 10B42 इट्स लाइक सम वेदांत शर्मा साहब स्वागता तुम रहती हो ना क्लास में आजकल चिंतावर कहाँ गया भाई सर हूँ सर कर रहा हूँ सर अनन्या ओके स्वागत अनन्या एग्जैक्टली 100 माइनस दिस आंसर है तुमने कुछ और निकाल दिया तुमने इम्प्योरिटी निकाल दी इम्प्योरिटी के बजाय चेक करो अच्छा मैंने मैंने इम्प्योरिटी निकाल दी मैंने माइनस किया माइनस नहीं करना है तुमने इम्प्योरिटी निकाल दी तो क्या प्लस कर दूं रुक जाओ चलो थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है किसी को क्लिक कर दिया तो बहुत आसान है कैलकुलेशंस एक्चुअली इसकी खराब नहीं है वत्सल दैट इज करेक्ट यस ठीक है बस बस अक्षत होल्ड ऑन मैंने तो बताया क्या कि someone sent me this see I'll show you something interesting ठीक है वो देखो मुझे किसी ने क्या भेजा Now this is दिख नहीं दिख रहा सर एक मिनट रुक जाओ ना यार कैसे दिखाई देगा ठीक है सर रुकिए मैं जब दिखाई नहीं रहा हूं तो तो क्या है कि अभी दिख रहा है देखो हाँ ये मुझे जो है ये मेरे को किसी बच्चे ने शेयर किया ठीक है मैं तो हूं नहीं भाई ये क्या है ये इंस्टा सर मीम पेज है शायद इंस्टा मीम पेज बनाया है इंस्टाग्राम से तो एक बार वो शुरू हो गया अब जब वो शुरू हो गया तो क्या है कि थिंग्स स्टार्टेड पोरिंग आउट तो ये इनका कोई पेज था आई डोंट नो ठीक है तो टीचर्स ने क्या किया इस पे ज्वाइन किया तो बेचारे बच्चे को जो है वो ठीक है ब्लॉक करना पड़ा ये देखो ठीक है नलायक जो हैं ये सब काम है इनके सर क्या लिखा है सर मोनोटोन सिटी अभी तो तुम्हें भेजना पड़ेगा आदमी ठीक है जो क्या है कि बड़ी ही डिफरेंट ठीक है उस पे तो चला गया देख रहे हो इतना सारा नाटक देखो ये देखो ये इनका ऑनलाइन टाइम पास है मैं तुम्हें दिखाया था क्या नहीं सर पहले हमें नहीं दिखाया सर ये देखो वो दैट इज सो ऑफेंसिव ज़ील मीम्स तो
that was a treasure down there. Krish Jay तुम्हारे बैच में नहीं है ना? नहीं तुम्हारे बैच में नहीं. फिर तो पता चला ये कौन बच्चा है? नहीं पता नहीं चला ना, उसने जो है जैसे ही जो है बताया और मतलब मैं क्लास में अनाउंस करा, जैसे मैं तुमको कर रहा हूँ कि देखो ये मीम आया मेरे पास में, ये आया, उतनी देर में तो पेज जो है बंद कर दिया. सर अब फिर से शुरू हो गया. हो गया क्या शुरू? हाँ सर. अच्छा रुको, देखते हैं भाई. सर एक और नया मीम है सर, वो मैंने आपको भेजा सर व्हाट्सएप पे, मतलब वो पोस्ट करेंगे वो लोग. ये जो है बताइए अब. ठीक है, थोड़ा अर्शद सर के साथ दिक्कत रहती है. ओह गॉड सर, वो किसने मीम बनाया वो भी क्रेडिट्स दिया हुआ है सर. दिया हुआ है क्या सर? उधर नीचे लिखा हुआ है ना सर क्रेडिट्स किसने. सर नीचे लिखा हुआ था उसी के, अर्शद सर के मीम के नीचे. क्या बात कर रहे हैं? हाँ वहाँ पे क्रेडिट चिनार्टर रेट में दिया गया था, किया हुआ एक बार. हाँ एक बार चेक कर लो अर्शद सर. वहाँ पे नीचे है अमन वन आगे. अमन वन आगे. अमन वन आगे. हाँ मिल गया सर. तो ये तो किसने लिख दिया होगा, जरूरी नहीं है ना, प्रूफ नहीं है ना इसने बनाया है. नहीं सर वो क्रेडिट डालते हैं ना कि इसने बनाया है तो. इसने बनाया है सर. वन ऑफ द मीम्स हैव हिज पिक्चर लाइक सर. आई गेस ही ग्रुप ऑफ पीपल लाइक सब मिलके बनाते हैं. आई थिंक एग्जैक्टली इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल हु मेक सर. इट्स अ ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग मिलके बनाते हैं और जिसका होता है तो वो क्रेडिट लिया, जैसे इसने लिया. अच्छा अच्छा अच्छा. तो अमन जो है ये तो खैर जून बैच का बच्चा एक है मेरे ख्याल से. ठीक है, इन सब में नहीं है क्रेडिट? नहीं सर सब में है क्रेडिट. सब में है क्रेडिट? हाँ सर कैप्शन में होता है. किसका है? किसका है मोस्टली, किसका नाम है? अच्छा तो ये सब कहाँ से आया? लेकिन इंस्टाग्राम सर आप वो जो मैंने भेजा वो वाला दिखाओगे क्या? सर उसका ऑफिशियल अकाउंट भी पहले मैं देख लूं दिखाने से पहले. सब ठीक है ना? अच्छा सर वो मतलब थोड़ा टारगेटेड है लेकिन चलता है. चलता है, चलो ठीक है देख लेते हैं. बिल्कुल देख लेते हैं, वैसे भी टारगेट में क्या कमी छोड़ी इन लोगों. वो ज़ील मीम वाले वो बोले थे कि स्टोरी पे ये भी डालेंगे करके. सर अमन वनागे का ही है. ही इज अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन, ही डज दिस. दैट वाज बैड. दैट वाज बैड सर, इसलिए आपको देखने बोला था पहले. नहीं मैंने देखा नहीं, मैंने तो स्वागतम में नलायक पे भरोसा किया. चलो उसने तो खैर क्या ही भेजा होगा. तो रुको अभी खबर लगाते हैं इन लोगों की, अभी देखो इनका क्या हाल करते हैं. ठीक है नहीं प्राप्ति, मेरी हिम्मत नहीं. आई एम जस्ट होपिंग दैट कुछ खास समझ में ना आया हो एज यूजुअल. तो इट्स अ वीडियो मीम ऑन यू. वीडियो मीम ऑन मी, ओह माय गॉड सर. ने उस पे बहुत सारे वीडियो मीम्स बने हैं. संडे के टेस्ट का भी एक बनाया गया है. अच्छा सर आधे तो आप ही है सर. सर दूसरा भी मिला उसमें आपका एक लीक फुटेज भी है. बहुत कुछ डाला उसमें इंस्टाग्राम पे. डराओ मत यार, लीक फुटेज के नाम से मेरा थोड़ा हार्ट बीट तेज जाता है. सर योर पिक्चर इज इन देयर, इट्स जस्ट दैट योर इट्स अ मीम अबाउट सम लीक फुटेज मे बी इन असाइनमेंट्स. क्या होता है वैसे सर? नहीं देयर रिपोर्ट अब्यूज बट एंड कैन आल्सो. अच्छा नहीं मैं रिपोर्ट अब्यूज क्या अब यार मेरा एक्चुअली क्या टेम्पटेशन ऐसे लग रहा है मैं वीडियो खोल के देखूं, बट ठीक है अब ज्यादा तो खैर क्या करना. रिगार्डिंग शेयरिंग्स एंड ऑल, ठीक है मुझे थोड़ा सा खैर देखो चलवाना साहब ने भेजा है कुछ मुझे. तो होता क्या लीड फुटेज है सर? ओह शिट चलो भाई चलो ठीक है आई एल इंक्वायर इनटू इट. ठीक है
अगर अगर वेदांत इसमें तुम्हारा हाथ निकला, समझ रहे हो तुम? मुझे आता ही नहीं है सर ये सब का, मुझे खुद को नहीं मालूम लेट फुटेज क्या होता है सब चीज़। तुम ही सबसे सर, सबसे रीसेंट वाले में उसका नाम भी था। अच्छा क्यों, कौन सा नाम था? सर एक ब्राह्मण है, आत्मिक उसके ऊपर था, उसके ऊपर था, उसका नाम नहीं था। नहीं नहीं मतलब उसके क्रेडिट्स नहीं थे, लेकिन हाँ उसके ऊपर था, उसके ऊपर था ना, तो अपने ऊपर क्यों बनाएगा? और सर अमन बना के क्या है दूसरा नाम क्या था सर? आपको भेजा, मैं स्क्रीनशॉट भेजा दूसरे का। ओह माय गॉड, यस रिकॉर्डिंग ऑन। लेट्स मेंटेन द डेकोरम, ठीक है? सबसे ज्यादा भोला जो है ना वेदांत बन रहा है ना। अगर 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 वेदांत कहीं से कहीं तुम्हारा आईपी एड्रेस तुम्हारे बिल्डिंग के अंदर से भी निकल गया ना कहीं से, वेदांत समझ रहे हो, अगर तुम्हारे सोसाइटी से भी निकला आईपी एड्रेस कहीं मालूम करने पे, इंक्वायरी करने पे, मतलब तुम गए, यू आर फिनिश्ड, समझे वेदांत? सर कुछ बोल नहीं सकते सर, सबसे भोला वाला मास्टरमाइंड रहता। हाँ वही तो, तभी वो पूछ रहा है ना बार बार। मैं खुद पे मेरे पे मजाक बना सर, मैं खुद पे क्यों मजाक बनाऊंगा वैसे सर? अरे ये तो भी आउट ऑफ द सीन, ये तो एक्चुअली ट्रैक्स कवर करने वाली बात है वेदांत। सर अभी वेदांत ने बोला कि उसको कुछ नहीं समझा और उसको उस मीम का मतलब भी समझ गया। सही बात, समझा मुझे समझ नहीं आता सर, हम मालूम करेंगे ना, रुको। चलो तो मैं ये कह रहा हूं कि लेड नाइट्रेट जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जब ऐसा सवाल दिया जाए दैट फाइन परसेंटेज प्योरिटी ऑफ ओरिजिनल सैंपल गिवन, इसका मतलब ये है सबसे पहले कि इसके अंदर जो डेटा गिवन है तुम्हें, मैं एक बार डेटा को हाईलाइट कर रहा हूँ, डेटा क्या क्या गिवन है भाई मुझे, मुझे ये डेटा गिवन है लेड नाइट्रेट का वेट, ठीक है, मुझे ये डेटा गिवन है 14 मोल्स ऑफ प्योर HNO3, इन दोनों में से एक डेटा सही है एक डेटा गलत है। पहले बताओ मुझे रॉन्ग डेटा कौन सा है इसमें? 9 to 68 ग्राम्स ऑफ लेड नाइट्रेट, 9 to 68 ग्राम ऑफ लेड नाइट्रेट एक्चुअली गलत है, ठीक है ना, वो रॉन्ग है, बिकॉज हमें पहले ही उसने हिंट दे दिया है कि लेड नाइट्रेट एक्चुअली एक इम्प्योर सैंपल, ठीक है, लेड नाइट्रेट एक्चुअली एक इम्प्योर सैंपल। तो यस सतगुरु, तो इसका मतलब ऐसा कुछ लेड नाइट्रेट था जिसके अंदर जो है बहुत सारी इम्प्योरिटीज होंगी, ठीक है, और इसके इसके इधर क्या है बताओ मेरे पास में, ये प्योर लेड नाइट्रेट का मास होगा, ठीक है, और जो गैस निकलती है, अब लगे हाथ हम थोड़ा और टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, तो यू मस्ट बी नोइंग दिस दैट जो एक्चुअली गैस निकलती है, ठीक है, वो जो जो एक्चुअली गैस निकलती है दैट इज ब्राउन कलर्ड गैस, ये तुम जानते हो क्या भाई? दिख रहा है तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट है, इट इज अ व्हाइट कलर्ड सॉलिड PbNO3 होल ट्वाइस, ठीक है, एंड इसको क्या है कि नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, सर वो क्या ट्यूब से सर बाहर जा रहा है सर? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम क्या होता है बताते हैं, ठीक है, वो चीज बाद में आएगी, अभी देखो देखो ध्यान से देखो, तुम्हें इसका कलर टेस्ट ट्यूब का चेंज होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, तो वो जो तुम्हें रेडिश ब्राउन टिंज आ रहा है कलर में तुम्हारे देखने में, ठीक है, दीज आर एक्चुअली ब्राउन फ्यूम्स ऑफ NO2, ठीक है, अलोंग विद O2, उसमें से NO2 गैस बाहर निकल रहा है। अच्छा NO2 तो प्रूव हो गया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रूव हो गया कि वो ब्राउन कलर का गैस है, तो बाहर वो आ रहा है, O2 निकल रहा है इस बात का प्रूव करने के लिए किया।
नहीं, पॉप साउंड हाइड्रोजन से आता है। देखो ये ऑलमोस्ट अगरबत्ती टाइप जो है ये वापस बुझ गया है, इस पे बहुत ही फेंट सा ग्लो है एक, इसके अंदर इंसर्ट करने पे वो फिर से जो ग्लो कर ले रहा है दैट मींस सपोर्टर ऑफ कंबशन उसके अंदर है, समझ रहे हो? तो एक छोटा सा ऐसे ही, दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग राइट देयर एक्चुअली। तो इसका मतलब ये जो वेट मुझे दिया है 9268 ग्राम, ये फॉल्स वेट है, ये फॉल्स इंफॉर्मेशन है। तो तुम सवाल इससे नहीं स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? तो मैं फिर से प्रॉब्लम लिख रहा हूं भाई, PbNO3 होल ट्वाइस गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2। नहीं श्रीहरन, नहीं 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 बेटा नहीं, देखो देखो श्रीहरन, और इसके नीचे थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखो PbO प्लस H2O प्लस O2 एंड सॉरी एंड सॉरी एंड सॉरी NO2 प्लस H2O प्लस O2। NO2 प्लस O2 प्लस H2O गिव्स क्या बताओ? HNO3। दोनों रिएक्शंस को बैलेंस करो तो मुझे दिख रहा है नाइट्रोजन बैलेंस है, 1/2 H आ गया, ऑक्सीजन 2.5-3 है, तो 0.5 करने के लिए 1/4 O2 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और लेड नाइट्रेट को बैलेंस किया मैंने, तो पीबी बैलेंस है, नाइट्रोजन 2NO2 6, 2 2s are 4 5 6, देखो बैलेंस है क्या भाई ये 1 नहीं 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 आई एम सॉरी 1/2 आएगा, देखो भाई 1/2 क्यों आएगा सर? 1/2 आएगा ना, देखो ना ऑक्सीजन बैलेंस ऑन 6 ऑक्सीजन है तो 2 2s are 4, एक यहां पे है 5, तो 1 के लिए 1/2 लगाना पड़ेगा ना। ओ अच्छा, मैंने पीबीओ नहीं देखा, ठीक है। अब मैं अमाउंट लिखना शुरू करता हूं, तो तुम सब बच्चे नॉर्मली 9268 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ठीक है अशिका, हमें इससे नहीं स्टार्ट करना है क्योंकि ये तो गलत है, हमें स्टार्ट करना है जो सही दिया हुआ है, दैट इज 14 मोल्स। तो 14 मोल से मैं पहले देखूंगा कॉमन चीज क्या दोनों में मुझे लेके जानी है, NO2, ठीक है? तो मैं 14 मोल से पहले उल्टा आऊंगा, आई विल राइट एक्स मोल्स, ठीक है? 14 मोल्स ही सर। तो एक्स डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाय 1, एक्स इक्वल टू 14, और वापस ऊपर लेके जाऊंगा तो फिर 14 मोल्स। ये नंबर सेम रखना है तुम्हें, ये स्टोशियोमेट्री कुछ भी होती रहे, तो फिर मैं इसके मानूंगा वाई मोल्स, फिर मानूंगा वाई बाय 1 इक्वल टू 14 बाय 2, 7, तो वाई इज इक्वल टू 7 मोल्स इज द प्योर लेड नाइट्रेट अमाउंट जो उसमें इफेक्टिवली प्रेजेंट है, प्योर। और परसेंटेज प्योरिटी का मतलब क्या है भाई? परसेंटेज प्योरिटी का मतलब यही तो है कि ये मास, ठीक है, परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू, ठीक है, एक्चुअल प्योर मास अपॉन द टोटल मास, टोटल मास अपॉन टोटल मास 9 × 7/28 टाइम्स 100, 1/4 टाइम्स 100 इनटू लेड नाइट्रेट का मास, दैट इज 207 प्लस NO3 होल ट्वाइस, कितना है भाई? 28, 6 ऑक्सीजन 96। देखो भाई ये टोटल मास ग्राम्स में, यस तनिष, 331 डिवाइडेड बाय इनटू 28, क्योंकि आपने टोटल मास का N2 है ना, मल्टीप्लाई करके ऐड कर रहा हूं बेसिकली, ठीक है सर, और 9268 मल्टीप्लाइड बाय 100, दिस कम्स आउट टू बी 25%। शर्दी आंसर क्यों नहीं आया भाई, कहां पे हो? 9268 का टोटल मास दिया हुआ है क्या, लाइक इंप्योरिटी और प्योरिटी दोनों मिक्सचर का मतलब वो जो दिया हुआ है कि 9268? और क्या बेटा, देखो ना, तो मतलब 9268 से क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि फिर सवाल का लॉजिक ही नहीं बनता ना। एक चीज बताओ, जब वो खुद ही बोल रहा है परसेंटेज प्योरिटी बताओ, जब तुम्हें पता ही नहीं है कि 9268 उसका एक्चुअल मास नहीं है, ये बात तो हिंट मिल रहा है हमें, जब मुझे पता ही नहीं है इसमें कितना एक्चुअली लेड नाइट्रेट है और कितना कचरा है, तो मैं उससे मोल्स निकाल के करूं कैसे? जा सकते हैं हम लोग, मैं उससे गया पर आया मुझे, नहीं नहीं आंसर मैं कह रहा हूँ, देखो मैं कह रहा हूँ जा सकते हैं हम लोग जा सकते हैं, लेकिन लॉजिकली, ठीक है, मतलब मेथोडिकली सोचने में वो चीज नॉर्मल नहीं है। जो लोग 9268 से गए हैं उनका आंसर कैसा आएगा? उनका आंसर बहुत सिंपल है, देखो इसके मोल्स 28 आएंगे, समझ रहे हो? 28 मोल्स से तुम इसके मोल्स निकालोगे,
ठीक है, तो मेरे पास 56 मोल्स आएंगे, 56 मोल्स से इसके मोल्स 56 और इसके मोल्स 56 आएंगे, लेकिन फिर तुम क्या करोगे, 56 बनने चाहिए थे लेकिन 14 बने हैं, इसलिए आंसर 14 में 56 into 100 है। तो व्हाट यू आर सीइंग इज 56 एक हाइपोथेटिकल नंबर था जो कहीं पे एक्चुअली सवाल में था ही नहीं, तुम्हारा आंसर आया है ठीक है, बट प्रॉपरली स्पीकिंग मतलब उल्टे जाने पे वैल्यूज जो आ रही हैं वो एक्चुअली उसका ट्रू मास है, तुमने लेड नाइट्रेट का ट्रू मास नहीं निकाला, तुम्हारा अप्रोच गलत नहीं है बट ये थोड़ा बेटर है, एटलीस्ट ये थोड़ा करेक्ट है। सर मैं उस साइड से गया 56, तो उसके आगे क्या करना है, 56 आने के बाद मैं वहाँ फंस गया, उसके आगे क्या करूँ फिर, उसके आगे क्या करना है मुझे, नीचे उतारो 56 मोल्स, NO2 56 मोल्स ही होंगे, हाँ NO2 से HNO3 के 56 मोल्स ही बनेंगे, हाँ तो लेकिन NO2 के तुम्हें, लेकिन तुम्हें HNO3 के मोल्स तो एक्चुअली दिए हुए हैं, तो 56 मोल्स तो आंसर गलत है, हाँ तो वो जो एक्चुअल मोल्स बने हैं वो 14 है, हाँ तो इसलिए प्योर HNO3 इतना था जिससे 14 मोल्स ही बन पाते, जबकि थ्योरेटिकली 56 बनने चाहिए थे, तो प्योरिटी क्या हो गया 14/56 × 100। ओ अच्छा, लेकिन वो नंबर ऑफ मोल्स का निकलेगा, तो नंबर ऑफ मोल्स का, लेकिन वो प्योरिटी लाइक, अरे भाई मास का प्योरिटी और मोल्स का प्योरिटी तो सेम ही रहेगा ना भाई, ऊपर नीचे दोनों तरफ मोलर मास का फर्क रहेगा ना। अच्छा हाँ हाँ, चाहे मोल्स लो चाहे मोलर मास ले लो, बात है कि वो लास्ट में पसंद। हाँ भाई, मैं 7 मोल्स प्योर निकाल रहा हूँ, मैं ये भी कर सकता था ना कि मैं इस जो मोलर मास को डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देता, नीचे वाले को टोटल हाइपोथेटिकल मोल्स में कन्वर्ट करता और फिर आंसर निकालता, 7/28 × 100 आता ना, बात तो वही होगी, तो 14/56 × 100 करके मेरा आंसर आ जाएगा। यस, चलो खैर सबने लिखा ये, यस सर लिखा भाई, हाँ सर, ओके कमिंग बैक टू, इसमें पीओसी नहीं लगा सकते क्या, NO2 और HNO3 के बीच में अगर पीओसी लगाए तो, NO2 HNO3 में हाँ लगाओ ना पीओसी, सही बात है, वो बात है अलग है, मैंने अगर पीओसी लगा तो मैंने ओ के रिस्पेक्ट, लाइक मैंने एनओ के रिस्पेक्ट में लगाया तो 56 × 1 NO नहीं बोला करो, सुनो NK स्पेक 56 × 1 इज इक्वल टू x इनटू फॉर दिस प्रॉब्लम स्पेशली मैं बोलूं तुम्हें, देखो हर सवाल को पीएससी मत चेस करो, ऐसे क्या टाइम जाएगा, बट ठीक है देखो इस सवाल में अच्छी बात पता है क्या है, मुझे बताओ नाइट्रोजन जो HNO3 में आ रहा है उसके कितने सोर्सेस हैं बताओ, सिर्फ एक, कौन, PbNO3 NO2 NO2 का सिर्फ एक सोर्स नाइट्रोजन का, कौन, PbNO3 होल्ड बाय, तो मैं बताओ शुरू से लास्ट तक डायरेक्टली पीओएसी लगा सकता हूँ कि नहीं लगा सकता बताओ, पीओएसी ऑन नाइट्रोजन लगाऊंगा तो PbNO3 होल ट्वाइस बिना बैलेंस किए कि मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एटोमिसिटी कितनी है भाई इसमें, 2 एन की 2 इज इक्वल टू मोल्स ऑफ HNO3 टाइम्स 1 तो वैसे किया था। अब इस केस में ये एक्सेप्शनली फास्ट हो जाएगा, 14 × 1 इज इक्वल टू एक्स इंटू टू वाई इंटू टू, तो वाई इज इक्वल टू 7, लो हो गया, बट हर केस में नहीं होगा, चलो इस केस में हो जाएगा। अच्छा इसमें डायरेक्टली मतलब हो जाएगा वाई इज इक्वल टू, फिर वाई इज इक्वल टू 7 के बाद क्या करना, अरे यार यही तो है वाई इज इक्वल टू 7 यार, अब उसके बाद भी यही करना पड़ेगा, वो आंसर ही आ गया, ठीक है सर। मोल्स बाय सर जैसे आपने मास किया सर वैसे मोल्स से डायरेक्ट कर सकते हैं ना, हां कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, लिमिटिंग रीजन, वापस से लिमिटिंग रीजन हेडिंग डाल लो, वापस जल्दी लिमिटिंग रीजन हेडिंग डाल लो भाई, सब हैं ऑल अवेक, सब बढ़िया है भाई, लग रहे हैं, यस सर, यस सर, ठीक है, हाय आदिश बेटा, मैंने तुम्हारा नाम ऐसे बोल रहा है पहली बार सुना है, देखा ही नहीं कभी तुम्हें, ओह माय गॉड, चलो तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या है, मैं ये हमारे आसपास लाइफ में क्या है ना, बहुत बार लिमिटिंग रिएजेंट की सिचुएशन जनरेट होती है, छोटी मोटी जनरेट होती रहती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल तुमने एक पेपर लिया, ठीक है पीस ऑफ पेपर लिया और उसको बाहर तुमने आग लगा दी, ठीक है तुमने इसके अंदर आग लगा दी, तो आग लगाने से क्या होगा, CO2 जनरेट होगा,
तो इस जो है पेपर कंबशन में जो भी रिएक्शन हो रही है, पेपर का कार्बन प्लस ओ टू गिव सीओ टू, तो इसके अंदर कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? कार्बन पेपर की ऑक्सीजन पेपर सर, सर पेपर ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन सर इज वर्चुअली इनफिनाइट सर, जितना मर्जी करा लो। चलो पेपर जो है ये लिमिटिंग रिएजेंट है। लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो पहले खत्म हो जाए, ठीक है? लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो पहले खत्म हो जाए। अच्छा अच्छा, जैसे अभी अभी क्या है कि मैंने यही जो है, मैंने अगर सिचुएशन एक इसमें अराइज की, ठीक है, दिस इज अ जार, ठीक है, एंड ओ माय गॉड दिस इज अ जार, एंड इस जार के अंदर क्या है, मैंने डाल दी, ठीक है, तो यहाँ पे कौन लिमिटिंग रिएजेंट है भाई? जो भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन O2, तो ये लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। मतलब मैं एक बात तुम्हें यहाँ पे वार्न करना चाहता हूं, दैट लिमिटिंग रिएजेंट वर्ड में ही देखो हमें क्या समझ में आता है, जो लिमिट कर देता है चीजों को। लिमिटिंग रिएजेंट इज द रिएक्टेंट विच is exhausted first, which is exhausted first, जो पहले खत्म होता है, ठीक है, not the reactant which is less, ठीक है। ये लोग बहुत बार कंफ्यूज कर लेते हैं। जैसे मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, तुम्हारे घर पे, ठीक है, अच्छा कोई ऐसा बताओ जिसको बिल्कुल समझ में ना आया हो, किसको पकड़े हम लोग? हाय सर, मैं समझा नहीं सर, मत लिमिटिंग रिएजेंट। हां बे नहीं समझा। अरे हाँ, अरे इतने सारे लोग, मैंने गलत सवाल पूछ लिया। अच्छा एक तो अद्वैत तुम हो, और एक अद्वैत जो कल खारगर में मिला मुझसे, वो कौन था भाई? एक बार हाथ उठा दे। सर वो मैं ही हूँ। अच्छा तुम ही हो अद्वैत? हाँ यार। एक बार लिमिटिंग रिएजेंट फिर से बताओ ना, नहीं समझा मुझे। वो जो कल मैं खारगर में मिला, वो अद्वैत और ये अद्वैत सेम है वेदांत? हाँ सर वो तो ठीक है सर, लिमिटिंग बताओ ना सर। ओ सॉरी, मुझे लगा तुम ये बात दोबारा समझाने को बोल। ये क्या है, सपोज क्या है वेदांत, अगर अभी तुम्हारे घर में 20 लोग पहुंच जाएं, हम लोग कितने? 20, ठीक है, सब आके बोले और बोले भाई अरे वेदांत थोड़ा चाय पानी पिलाओ, ठीक है, थोड़ा सा चाय बना दो वेदांत, ठीक है, नहीं सतगुण नहीं एक बार यस, तो जब तो भाई चाय के लिए मुझे 3 इंग्रेडिएंट चाहिए मेन, हाँ, क्या बताओ वेदांत? पानी, दूध, टी और मिल्क, टी मिल्क और चीनी, समझ रहे हो? हाँ। तो उन 20 लोगों की चाय बनाने में, ठीक है, सब कुछ तुम सामान अरेंज करोगे, तो तुम्हें क्या लगता है बताओ कि तुम्हारे पास में क्या चीज जो है, ठीक है, वो सबसे पहले खत्म हो जाएगी? सर टी, घर में जितना सामान है उसमें टी खत्म हो जाएगा, चाय पत्ती खत्म हो जाएगी तुम्हारे घर में? आई डाउट दैट। तुम्हारे घर में, मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर में दूध, ठीक सी बात है, डेली डेली 1 किलो दूध आता है तुम्हारे घर में, आता है कि नहीं आता है? हाँ। लेकिन चाय पत्ती फिर भी हो सकता है वेदांत आधा किलो आती होगी और महीना भर चलती है, सही बात है? हाँ। एक बात ध्यान से सुनो, तुम्हारे घर में दूध 1 किलो है, चाय पत्ती आधा किलो है, ठीक है, फिर भी खत्म पहले दूध होगा। हाँ खत्म दूध होगा, क्योंकि जो रेशियो चाहिए चाय बनाने के लिए दोनों का, उसमें दूध ज्यादा होगा यूज, उसमें दूध ज्यादा है ना, बताओ? हाँ। तो मैंने ये लिखवाया है अद्वैत, लिमिटिंग रिएजेंट वो नहीं है जो कम होता है, लिमिटिंग रिएजेंट वो है जो पहले खत्म होता है। तो इसका मतलब इसमें जो सी, जिसमें सी प्लस ओटू लिखा, उसमें मतलब कार्बन पहले खत्म हो जाएगा, मतलब कार्बन जल्दी खत्म हो जाएगा, इसका मतलब? वो तो है ही सब में, लेकिन हम बहुत बार इसे मिसलीड कर लेते हैं दिमाग में ये सोच के कि कम था इसलिए पहले खत्म हो गया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि जो शुगर है वो बहुत कम यूज होता है, लेकिन हमारे पास कम ही था, लेकिन वो रेशियो दूध के साथ निकाला, तो ठीक सर समझ गया। सही बात है ना?
मतलब जो चीज ज्यादा हो सकता है वो ज्यादा रेशियो में ले लेके वो पहले खत्म हो जाए, मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटीज हो सकती है। हाँ हाँ, ये पॉसिबिलिटी नहीं, ये होता है नालायक। पॉसिबिलिटी क्या, यही तो होता है, यही तो प्रॉब्लम है। जो हमें समझना है ये बात, वो ये है कि अगर मेरे पास एक रिएक्शन लिखी है ए प्लस 100 बी, सब लोग ध्यान से सोचो भाई, ध्यान से सुनो, कि तुम्हें अच्छे से एकदम मतलब एकदम एनलाइटनमेंट होना चाहिए। ए प्लस 100 बी, तो मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, पहले तो इसी बात से हम शुरू करते हैं कि अगर एक मोल ए कंज्यूम होगा तो उसके साथ मुझे कितने मोल बी चाहिएंगे, बताओ। 100 मोल बी चाहिएंगे। तो मैंने अगर तुम्हें ये और ये का मिक्सचर दिया और पूछूं कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, तो तुम्हारा कोई नहीं सर, इसमें से कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है ना, बताओ। दोनों एक साथ एग्जॉस्ट हो रहे हैं, दोनों एग्जॉस्ट हो रहे हैं। दैट मींस हमें समझना है कि अभी भी बताओ, वन मोल तो 100 से कम है फिर भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। तो इट इज नॉट द अमाउंट दैट डिसाइड्स लिमिटिंग रिएजेंट, इट इज द अमाउंट एंड स्टोशियोमेट्री, ठीक है, बोथ दैट डिसाइड द लिमिटिंग रिएजेंट। बिकॉज जिस रेशियो में कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, और जो है वो चीजें अलग अलग है। ये हमारे घर में हर समय होता है ना, आटा 10 किलो आता है, समझो, आटा 10 किलो आता है, लेकिन सब्जी क्या है, कोई 4 किलो ले आए तो सडनली बात ये हो जाती है, अरे इतनी सारी सब्जी क्यों आ गई, खराब हो जाएगी, एंड सो ऑन, बिकॉज रेशियो अलग अलग है। ठीक है, ठीक है वेदांत, समझ में आया थोड़ा? हाँ, इसमें लाइक अगर रेशियो बता दिया जाए तो इसमें वो पता कर सकता हूँ कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जिसका रेशियो लाइक ज्यादा होगा वो पहले खत्म होगा, इसका मतलब जिसका लाइक ज्यादा को पहले खत्म हो जाएगा। चुप, मैं बता रहा हूँ ना, आगे आई वॉज सो क्लोज टू लविंग यू, फिर तुमने जो है रुक जाओ। ठीक है अद्वैत, ठीक है आगे चले एक बार, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो अगर तुम्हें लिमिटिंग रीजन ढूंढना है, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव यू हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी शायद ये लिखा था कि मान लो CH4 है, बच्चों इसको देखो कॉपी करो, अच्छा उससे पहले थोड़ा जस्ट अ मिनट, सब लोगों ने ये लिख लिया, एटलीस्ट भाई ये सामान लिख लेना, ये लिख लिया। यस सर, ड्राइंग नहीं बनानी, हाँ ड्राइंग या तेल लेने, चलो इस पे आओ, इसके नीचे ये लिखो, whenever initial moles taken are not in the ratio of stoichiometry, are not in the ratio of stoichiometry, initial moles taken are not in the ratio of stoichiometry, tab problem hogi, then problem arises, then one of the reactants is always exhausted before as compared to others, दूसरों के मुकाबले एक रिएक्टेंट जल्दी खत्म हो जाए as compared to others, ठीक है and this reactant is called LR, limiting reagent, and all other reactants को हम क्या बोलते हैं बताओ? Drawing agents. All others are called excess reagents, ER, ठीक है, and the reaction is abruptly stopped, reaction एकदम से बंद हो जाएगा, abruptly stopped, एकदम से फ्रीज हो जाएगा रिएक्शन। तो जितने भी ठीक है, ऑल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड ठीक है, एंड रिएक्टेंट्स कंज्यूम्ड, ठीक है, ऑल मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड and reactants consumed
consumed are decided by LR. Sab kuch LR decide karega. Are decided by LR. Ye paragraph zara copy kar lo. रिएक्शन रिवर्स भी हो सकती है ना, अगर कम हो गया तो रिएक्शन रिवर्स भी, तो रिवर्स रिएक्शन में भी जा सकता है ना, लाइक ला शातियंस प्रिंसिपल के हिसाब से, अगर उनके हिसाब से देखें। बाप रे बाप, एकदम मतलब फ्रेंच वेंच हैं विदान सर, नाम है सर उनका, उन्होंने दिया था कि वो रिएक्शन रिवर्स हो जाती है अगर वो कम हो जाए, अगर लाइक कम हो जाए। और जो है ठीक है, मैं अभी ये बताऊं, और वेदांत बोला था उसे मीम बनाना नहीं आता है, एकदम ले चैट लियर्स और एकदम उसके साथ में तुम एकदम फॉर्म में हो, तुम बोलते हो मीम बनाना नहीं आता, वेदांत ही कल्प्रिट है सर। चाहे तो चेक कर लो सर, अब चाहे तो चेक कर लो, उसमें सब पता चल जाएगा बाप। चेक तो मैं, मेरे को आता नहीं है ना चेक करना, कैसे चेक करूंगा, खुद ही चेक कर लो सर। सर हजरे चेक कर सकते सर क्या चेक कर लू भाई मैं तुम्हारे दिमाग में घुस के देख लू, ला चैटलिया प्रिंसिपल तुमने कहाँ पढ़ा वे सर? ये गैसेस के रहता है सर, 9th और 10th में लाइक कहीं से सुना था मैंने, बस लाइक पढ़ा था बस। 9th 10th में ला चैटलिया प्रिंसिपल था? प्रिंसिपल था नहीं, लाइक सर पढ़ा था, बस खाली पढ़ा था सर, एक बार बस एक सुना था मैंने, पढ़ा था। बड़े-बड़े लोग हैं भाई, तुमने सुना है प्राप्ति ला चैटलिया प्रिंसिपल? नो सर। बताओ। सबने लिख लिया पैराग्राफ भाई? हाँ सर। तो अब देखो सवाल कैसे आता है, तो मैं एक काम करता हूं, मैं ना कोई भी अपन का किया हुआ सवाल उठाता हूं, आई पिक वन प्रॉब्लम जो हमने पहले से सॉल्व किया हो। ऐसा कोई मतलब मेड फॉर्मूला नहीं है ऐसा कुछ? नहीं फॉर्मूला नहीं है इसका, मतलब हाँ आ रहे हैं रुको ना, आ रहे हैं सर, मोल बाय स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कंपेयर करना है। हाँ वो तो है ही, खैर हाउ टू फाइंड, चलो हाँ आगे अभी लिख लो भाई, पहले हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रीजेंट ठीक है, तो इसमें भाई क्लियरली लिख लो साफ साफ दैट लिमिटिंग रीजेंट इज the one having least ratio of moles by stoichiometry, least ratio of moles by stoichiometry ठीक है, not the one with least moles. Least moles नहीं है, least ratio of moles by stoichiometry है, उसको LR बोला जाता है ठीक है, और सबको इस बात का लॉजिक आज मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा, फॉर ऑल दोज who are not writing their notes ठीक है। मैं तुम्हें एक छोटा सा वार्निंग दे देता हूं दैट हम लोग कभी ना कभी मिलने वाले हैं सेंटर्स पे, तो कभी ना कभी तुम्हारी कॉपीज चेक करने वाला हूं, इन दैट सिनेरियो बस वही होने वाला है कि ठीक है अपनी अपनी उस दिन जो है बहुत ही टॉर्चर्स बेइज्जती हो जाएगी, पर एक ही दिन होगी, बीच बीच में कभी कभी हो जाएगी, तो अगर तुम्हें वो बेइज्जती वर्थ इट लगती है डेली के लिखने के प्रॉब्लम से तो ठीक है बेइज्जती करवा लेना आराम से बैठो, नहीं तो भाई लिखना शुरू कर दो ठीक है, जो तुम्हारा पुराना पाप हो गया अब लिखना शुरू कर दो। तो हाँ बोलो, कंबशन में ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब ऑक्सीजन लिमिटिंग एजेंट ही रहेगा, जैसे फुल्ली कंबशन हुआ तो उसमें जरूरी है कि ऑक्सीजन ही रहेगा लिमिटिंग एजेंट? अगर उसने वर्ड यूज किया कंप्लीट कंबशन तो ये जरूरी है कि ऑक्सीजन एक्सेस रिएजेंट रहेगा, बीच में खत्म नहीं होना चाहिए ठीक है, हम उस पे आते हैं, सब आते हैं। देखो तो मैं तुम्हें एक छोटा सा रिएक्शन देता हूँ, फॉर एग्जांपल मोल्स बाय स्टोइकोमेट्री क्यों किया आपने, वो समझा नहीं मुझे। अरे समझना नहीं बेटा, यही तो बात है, यही तो हम देख रहे थे ना कि ए प्लस 100 बी है और मैंने 1 मोल लिए और इसके 100 लिए, हाँ
अभी मुझे बताओ कि इसके अंदर 1/1 इक्वल टू 100/100 है। हाँ मोल्स बाय स्टोइकोमेट्री इक्वल टू मोल्स बाय स्टोइकोमेट्री है कि नहीं भाई, तो इसमें हाँ। कोई लिमिटिंग रीजन नहीं है। अच्छा मतलब आपने नंबर ऑफ मोल्स और स्टोइकोमेट्री दोनों इक्वल लिया है क्या? नहीं यार रुकना, देखना नीचे। सपोज मैंने 1 मोल और 99 मोल्स लिए, ठीक है ये केस 1 था। केस 2 देखो 99 वाला लिमिटिंग रीजन, तो मैं फिर चेक करूंगा 1/1 ये मोल्स और ये स्टोइकोमेट्री है भाई। अच्छा हाँ 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 99/100 तो भाई ये छोटा हो गया ना यार, सॉरी कौन ये वाला छोटा हो गया ना यार। हाँ ये वाला छोटा हो गया सर। इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट कौन है बताओ? 99/100 वो पहले खत्म हो जाएगा। बी है, बी 99/100 क्या करेगा, बी लिमिटिंग रिएजेंट है। हाँ तो रिएक्शन जब आगे जाएगा तो बी पहले खत्म होके जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है इसका कुछ अमाउंट बच जाएगा, पूरा ही समथिंग इज लेफ्ट आउट, ओके कुछ ना कुछ बचेगा। ये हमें निकालना होगा कि कितना बचा है बच्चों, ये हमें निकालना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा कितना बचा है। दिस इज द न्यू कैलकुलेशन, अंडरस्टूड? इसमें तो होगा नहीं ना सर, क्योंकि रिएक्शन के लिए 1:100 चाहिए। चुप रहो, कुछ मत बोलो सर, समझो अभी, ठीक है। इसी तरह से अगर मैंने केस 3 लिया, कोई और नंबर बोलो भाई, कोई भी नंबर बोलो प्राप्ति, जो मन में आए नंबर बोल दो। 27 और इसके लिए, दोनों के लिए अलग नंबर्स बोलिए। 27 मोल्स ऑफ सपोज तुमने ये ले लिया, और क्या 86 मोल्स सपोज मैंने बी ले लिया। अब मुझे चेक करना है रैंडम नंबर्स, तो मैं फिर क्या चेक करूंगा बताओ, बोलो भाई वेदांत सर। फिर से हम लोग वो लाइक चेक करेंगे, लाइक 27/1 इज इक्वल टू 86/100, तो इसमें से कौन छोटा है? इज इक्वल टू नहीं है, पहले चेक करना ही पड़ेगा। अब इसमें से कौन छोटा है? ये बहुत छोटा है। हाँ, इसका मतलब कौन लिमिटिंग रिएजेंट है? 86 और बी है लिमिटिंग रिएजेंट। हां तो इसका मतलब ये जीरो हो जाएगा और ये कुछ बच जाएगा। तो ये जो बच जा रहा है, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए हमें कोई फास्ट मेथड चाहिए। हाँ अभिनव, अच्छा हमें कोई फास्ट मेथड चाहिए। अब ध्यान से सुनो, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज एक्चुअली, ठीक है, अभी अभी जो तुम परेशान हो थोड़ा सा, ठीक है, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू विंग्स, ठीक है। क्या दे देगा विदान तुम्हें? ये विंग्स दे देगा, विंग्स दे देगा। अरे कोई नहीं रहा, विंग्स दे देगा, ठीक है, बिल्कुल। ठीक है विदान, ठीक है सर। Actually going to give you wings. Good drawing, अच्छी है सर। Thank you, Vidhan. Thank you. You made my day. सर आपने कहाँ से सीखी drawing? ये इसके लिए professional training की ज़रूरत है क्या? सर हो सकता है सर segment drawing होती है ना? नहीं सर, क्योंकि आप हर बार ऐसा अच्छा बना। सर मतलब इंसान दिखता है सर, तो अच्छा ही बनाते हो आप। हाँ ना सर। Then I would say कि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। मैं लिखता हूँ, आज मैं साइड में लिखना पड़ता है क्या बनाया है। देखो सर ऐसा नहीं है सर कि आपकी बहुत अच्छी है सर, हमारी बहुत गंदी है। हाँ। सर वो आपने रेड बुल बनाया है क्या? रेड बुल? हाँ ऐसा ही होता है ना शायद रेड बुल। हाँ सर रेड बुल गिव्स यू विंग्स ना। केस कर दिया बस। तो दिस इज ए ए, सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन है ए ए प्लस बी बी, ठीक है। इस आज के पूरे बकवास इंटरेक्शन का सबसे क्रक्स और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो ये होने वाला है आज, ठीक है। बाकी सब हमने जो है मीम देखे, लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन देखा, ऑल दिस वाज अ फार्स, समझ रहे हो? सॉरी सारा सब कुछ बकवास था, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सपोज तुम्हारे पास ये रिएक्शन है और तुम्हें टी इक्वल टू जीरो पे, व्हेन आई से टी इक्वल टू जीरो मतलब टाइम, ठीक है, टाइम जीरो मतलब बिगिनिंग पे, बिगिनिंग पे हमको जो है सपोज दे दिए कि इसके जो इसके इसके एक्स मोल्स हैं, इसके वाई मोल्स हैं, इसके जीरो मोल्स हैं, लेट्स से। अच्छा कभी कभी क्या होता है ना, रिएक्शन शुरू होने से पहले किसी किसी प्रोडक्ट के मोल्स ऑलरेडी प्रेजेंट हो सकते हैं इसके जेड मोल्स हैं। जैसे तुमको पेपर जलाना था, पेपर जला के CO2 बनता है, ठीक है,
तो बताओ रूम में पेपर जलाने से CO2 बनेगा, बट पहले से CO2 रूम में प्रेजेंट है कि नहीं है? तो मैं अगर तुम्हें पेपर जलाने के बाद CO2 पूछूंगा तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें प्रेजेंट को माइनस करना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, तुमको पहले माइनस। वेट अ मिनट, लेट मी स्पीक यार, मुझे इंटरप्ट करके बोल दोगे तो क्या फायदा होगा, पूछूं तो बोल लो ना। ठीक है, तुम्हें पहले रूम का एक्चुअल CO2 पहले कितना था वो निकालना पड़ेगा, और जो पेपर कंबशन से जो बना है वो नया CO2 जो है वो तुम्हें उस प्रीवियस CO2 में ऐड करना पड़ेगा, वो तुम्हें टोटल CO2 देगा फाइनली जो बचा है, फाइनली जो हो गया है रूम में कंबशन के बाद में। हमारे पास अर्थ पे जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उसमें टोटल CO2 जो है बाहर जिससे हमें इफेक्ट हो रहा है उसमें कुछ अर्थ पे ऑलरेडी था, कुछ हमने शिट क्रिएट किया है, तो वो टोटल मिला के मैसअप क्रिएट हो रहा है ना। ऐसा हो रही है सिर्फ हमारा पार्ट जो है वो कुछ कर रहा है और ठीक है ओल्ड पार्ट कुछ नहीं कर रहा है। तो टोटल मोल्स अगर मुझे निकालने हैं तो मुझे जेड मोल्स ऐड करने पड़ेंगे अपने अपने नए नए बने हुए मोल्स में। तो अब अगर मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कि फाइनली किसके मोल्स कितने हो जाते हैं आफ्टर द रिएक्शन इज कंप्लीट, तो फर्स्ट आई हैव टू चेक व्हाट लिमिटिंग रिएजेंट। यस सर। वो मैं कैसे चेक करूंगा इसके मोल्स? बाय सोशियोमेट्रिक एक्स बाय ए एंड वाई बी बाय वाई बी बाय वाई बाय बी मोल्स बाय इसका स्टोशियोमेट्री बी। मान लो, अच्छा ऑब्वियसली जेड का कोई रोल नहीं है, वो तो क्या प्रोडक्ट है। मान लो एक्स बाय ए वाई बाय बी में से एक्स बाय ए छोटा निकल के आ गया, लेट्स से, तो इमीडिएटली पहले तो ये चीज समझ लेना कि ये जो है ये अब किंग है, दिस डिसाइड्स एवरीथिंग। बच्चों समझ रहे हो, दिस डिसाइड्स एवरीथिंग। ठीक है, ये रेशियो जो है ये रेशियो यूजलेस हो गया है, दिस इज यूजलेस रेशियो। आगे जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं, अब इसकी कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अब क्या है बताओ, सब कुछ जब ये रेशियो डिसाइड करने वाला है x by a, तो मुझे बताओ मोल्स ऑफ b कंज्यूम्ड डिवाइडेड बाय क्या करूंगा बताओ, मोल्स ऑफ a नहीं सोशियोमेट्री y नहीं आएगा। देखो बच्चों y नहीं आएगा, y तो अब एक यूजलेस क्वांटिटी है, बिकॉज जब वो कंज्यूम ही नहीं होता है तो तुम उसे इंक्लूड ही नहीं कर सकते ना इसके अंदर। तो मोल्स ऑफ बी कंज्यूम्ड बाय बी, ठीक है, विल बी एक्चुअली इक्वल टू क्या बताओ, मोल्स ऑफ ए कंज्यूम दैट इज एक्स, बताओ पूरे मोल्स कंज्यूम हो गए डिवाइडेड बाय ए, तो एक्चुअली मोल्स ऑफ बी कंज्यूम्ड कितना निकल के आया बताओ, एक्स बाय ए, रुक जाओ मोल्स ऑफ बी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू एक्स बाय ए, ठीक है, इनटू बी का स्टोशियोमेट्री मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, बताओ यहां पे क्या मल्टीप्लाई हो गया, स्मॉल बी। इसी तरह से बताओ मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड अगर मुझे निकालना है, मोल्स ऑफ सी अगर मुझे प्रोड्यूस निकालना है, ठीक है, तो अपॉन क्या करूंगा बताओ, स्मॉल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, एक्स बाय एक्स बाय ए। तो सिमिलरली मोल्स ऑफ सी प्रोड्यूस्ड क्या हो जाएगा बताओ, सी एक्स बाय ए। तो एक्स बाय ए तो कॉमन रहेगा, इतना पार्ट आज से कॉमन है, बताओ मल्टीप्लाई बस मैं किससे करने वाला हूं, वो नंबर चेंज हो जा रहा है, सी हो गया, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। तो इन शॉर्ट मैं ऐसा मान सकता हूं ना बताओ कि मुझे किसी के भी मोल्स निकालने हैं, ठीक है, मोल्स ऑफ एनी स्पीशीज, ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा अगर मैं कलर्स का ध्यान रखूं तो मुझे किसी के भी मोल्स निकालने हैं कंज्यूम्ड या प्रोड्यूस्ड, ठीक है, वो फाइनल मोल्स नहीं होंगे, मोल्स ऑफ एनी स्पीशीज कंज्यूम्ड या प्रोड्यूस्ड अगर मुझे निकालना है तो दैट विल सिंपली बी इक्वल टू क्या बताओ, मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट एक्स बाय ए इनटू स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ द सब्सटेंस, यस, व्हिच वी हैव टू फाइंड, स्टोशियोमेट्री ऑफ एलआर मल्टीप्लाइड बाय ये जो समान है इसका स्टोशियोमेट्री यहां मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, स्टोशियोमेट्री ऑफ रिएजेंट, ये तुम्हें जो है ये परमानेंटली फटाफट सबके मोल्स जो है वो देना शुरू कर देगा, ठीक है, ये फॉर्मेट हमें याद रखना है कि न्यूमरेटर में यहां पे क्या है बताओ, एक्स क्या है बताओ, मोल्स, ठीक है, ए क्या है बताओ, स्टोशियोमेट्री। तो डायमेंशनल एनालिसिस जो हम करते थे ना उसकी तरह देखो, अगर मैं वापस स्टोशियोमेट्री मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टोशियोमेट्री के डायमेंशन कट गया और किसका डायमेंशन बचा बताओ, मोल्स का डायमेंशन बचा,
बोलो समझे क्या सर? एक्स बाय आपने मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय बी ले लिया, फिर आपने इसको मल्टीप्लाइड बाय बी लेके इसे ले लिया। तुम एक बार जी, तुम चुप रहो, एक बार रुको। पहले मैं तुम्हारा सॉल्व करता हूं, बाकी लोग एक बार पहले पूछ ले, और एक बार कुछ डाउट तो पूछ ले, तब तक सब लोग कॉपी करना स्टार्ट इस चीज को। सो हाँ, ये जो चीज है जो मैंने यहां पे लिखी है, ठीक है, ये चीज जो है अगर हम फास्ट लगाना सीख गए तो बड़े बड़े न्यूमेरिकल जो होंगे ना, ये हम एक एक लाइन में सॉल्व कर लेंगे। अगर हम इस फॉर्मेट को याद कर लें, अगर हम इसको रट लें और इसको बिना गलती किए पेशेंटली लगाना सीख जाएं, दिस इज लाइक ड्राइविंग अ कार, ठीक है। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? विदु। तो हाँ वेंकटेश बोलो। अगर आपने एल आर फाइंड करने के बाद उसमें मोल्स ऑफ बी कंज्यूम्ड अपॉन बी इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन ए किया, लेकिन उसके बाद फिर सर आपने उधर मल्टीप्लाई में भी, मतलब आपने सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हाँ, इसी बी को मैं यहाँ लेके गया हूँ, इसी सी को मैं यहाँ लेके गया हूँ, और इन सब का कॉमन फॉर्मूला आपने नीचे लिखा है। यस एग्जैक्टली, यस वेंकटेश, थैंक यू सर। सर हाँ बोलो। मोल्स ऑफ बी डिवाइड बाय बी इक्वल टू एक्स बाय, आपने क्यों लिखा है? हैं एक मॉरिंग तुमको जो है, मोस्ट बेस्ट स्टोइकोमेट्री इक्वल टू मोस्ट बेस्ट स्टोइकोमेट्री नहीं होता क्या यार? अच्छा कमाल के आदमी हो यार। ठीक है सर, चलो भाई, 9 बच्चे तो भागे, बाकी लोग मत जाना, जब छूटेगी क्लास तभी उठना। अगर तुम्हें अपना चैप्टर, मार्क्स और करियर प्यारा है तो डरा धमका के बिठा के रखना पड़ता है तुमको। सर सर एक क्वेश्चन दो ना सर। हाँ एक मिनट दे रहा हूँ, सबने कॉपी कर लिया? ओके अभी तक सुनो, अभी तक मेरा जो है कहर खत्म नहीं हुआ है। सुनो, तुम्हें याद क्या करना है? तुम्हें ये नहीं याद करना था, तुम्हें इसके आगे वाला याद करना है। ये तो याद करना ही, आगे वाला याद करना है। देखो अब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे ए के मोल्स पूछूं आफ्टर कंप्लीशन, रिएक्शन खत्म होने के बाद में, बच्चों एक्स बाय ए माइनस एक्स बाय, तुम्हें आज से क्या है, देखो मैं एक सिंपल सा रूल बना देता हूं। देखो ये जो है ना, मैं इस रिएक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं। इस तरफ का मामला, चलो ध्यान से देखें भाई, देखो इस तरफ का मामला रिएक्टेंट्स का है, बोलो है कि नहीं? हाँ, तो क्या होते हैं? डिक्रीज होते हैं। और इस तरफ का मामला प्रोडक्ट्स का है, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं बताओ? इंक्रीज होते हैं, ठीक है, इंक्रीज होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अब जो ये अमाउंट है, ये तो मोल्स, ये वो वाले मोल्स हैं जो एक्चुअली डिक्रीज या इंक्रीज होता है, ये एक्चुअल मोल्स नहीं है उसकी, टोटल मोल्स नहीं है उसके। तो मुझे बताओ, अब मैं बताओ, सबसे पहले लिमिटिंग रीजन के मोल्स तो जीरो हो जाएंगे फाइनली, बोलो है कि नहीं? एक्स बाय एक्स बाय, हाँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर मुझे इनफैक्ट अगर मुझे ए के मोल्स निकालने हैं, ए के मोल्स निकालने हैं कितने कंज्यूम हुए, तो मैं यहाँ पे किसका स्टोइकोमेट्री मल्टीप्लाई कर दूं बताओ? ए का ही कर देता हूं। तो ए के बताओ कितने मोल्स कंज्यूम हो गए? एक्स बाय ए इंटू ए। बी के बताओ कितने मोल्स कंज्यूम हो गए? एक्स बाय ए इंटू बी। सी के बताओ कितने मोल्स पैदा हो गए? एक्स बाय ए इंटू सी। और डी के मोल्स कितने पैदा हो गए? एक्स बाय ए टाइम्स डी प्लस जेड डी। ठीक है, बस एक ही प्रॉब्लम है, ये वाले अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तभी तो ये वाले अमाउंट पैदा हो रहे हैं, बोलो है कि नहीं? हाँ सर। है कि नहीं, बोलो भाई? हाँ सर। यस सर। ये वाले अमाउंट, देखो ये वाले मोल्स किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? सर x माइनस x एंड y माइनस x by x dy। सद्गुण स्टॉप, ये वाले अमाउंट किस में से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं? ठीक है, ये वाले अमाउंट जो तुमने इनिशियली मोल्स लिए थे उसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं x, ठीक है, माइनस x बाय a इनटू a।
ये वाला अमाउंट किसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, जो तुमने इनिशियली अमाउंट लिया था उसमें सब्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज वाई माइनस वाई माइनस एक्स बाई ए इंटू बी। ये वाला अमाउंट किसमें ऐड हो रहा है, तो जब ये पहले से कुछ था ही नहीं तुम्हारे पास में, तो बताओ कुछ नहीं होगा यहाँ पे, जीरो। और ये वाला अमाउंट किसमें ऐड हो रहा है बताओ, आखिरी वाला जो पहले से जेड प्रेजेंट था तुम उसको ऐड नहीं कर सकते हो, तो ये इसमें ऐड हो रहा है। ये मैंने जनरल केस तुम्हें सॉल्व करवाया है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरी प्रॉब्लम ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, एंड अब तक के जितने सवाल किए थे ठीक है वो सब इससे आसान थे, इससे टफ सवाल कुछ नहीं बन सकता है। इसको कॉपी करो नीचे वाले को, समझ रहे हो अद्वैत? अद्वैत ये एक्चुअली मेन सर, ये जो आपने लिखा है सर, ये क्या है y माइनस x बाय a इनटू b सर, ये क्या है मतलब? ये जो है ये फाइनली मोल्स, ये हर स्पीशीज के फाइनल मोल्स हैं रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में, आगे पीछे जाने के बाद में, इतना सामान जो है वो तुम्हारे पास लास्ट में तुम्हारे हाथ में है। अच्छा, जब रिएक्शन खत्म हो जाएगा। यस, चाहे वो कम होते 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 इतना बचा है तुम्हारे हाथ में, या बढ़ते 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 इतना बना है तुम्हारे हाथ में। वो सेकंड प्रोडक्ट का जेड क्यों है, जीरो क्यों नहीं है उसका? क्योंकि उसके शुरू से जेड मोल्स दिए हुए थे तुमको, तो मतलब रिएक्शन स्टार्ट होने से पहले ही उसके इतने थे। Yes. सर ये चार जो दिए है इसमें रिएक्टेंस में से जो लिमिटिंग रिएजेंट वाला चीज है उसको जीरो से इक्वेट कर सकते हैं क्या? यस यस यस, ये मैं तुम्हें स्टुपिडिटी दिखा रहा हूँ। अगर कोई बच्चा बहुत स्लो है तो वो ये लिख रहा है तो अंडरस्टूड सी बात है ना भाई, ये तो जीरो आने ही वाला था ना यार शुरू से। हाँ, लिमिटिंग रिएजेंट को तुम हमेशा डायरेक्टली जीरो लिख सकते हो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर। और सर ये बताओ, मतलब जैसे आपने ऊपर लिखा है कि जीरो मोल्स उसका बचा है, तो इसका मतलब ये है कि जीरो मोल्स होने के बाद भी जब लिखा है उसके बाद भी कुछ रेसिड्यू बचा है? एक मिनट सुनो, जीरो मोल्स उसका बचा नहीं है। देखो पहले मैंने लिखा था वो जो रिएक्शन शुरू होने से पहले से इतना इतना सामान था, एक स्ट्रेट लाइन में क्या है अनन्या, आज से वो इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की जाएगी जो एक कॉमन टाइम पे सबकी होगी, एक कॉमन टाइम पे सबकी इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है, तुम पहले से कॉपी कर लो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ, मैं सब सवाल इसी से करूंगा, बस तुम्हें एक बार से कॉपी कर लो और छोड़ के मत जाना। ठीक है, जीरो आपने वो एज्यूम किया ना, सी का जो जीरो मोल होगा, तो रैंडम इन्फॉर्मेशन ली है भाई, मान लो यार जीरो दिया है, वाई दिया है, कुछ भी दिया है मान लो अपने हिसाब से यार, कुछ भी दिया हो भाई, मुझे क्या पता क्या दिया होगा सवाल। लिख लिया सुहानी, लिख लिया सुहानी, तुम्हारे पास में आ गया। संगमित्रा लिख लिया, संगमित्रा हो कि नहीं, आवाज नहीं आई तुम्हारी? ओके, श्रेया लिख लिया भाई? यस सर। श्रीजित लिख लिया भाई? देखो तो आई जस्ट टेक वन एग्जाम्पल जो हमने पहले से किया हुआ है, फिर मैं तुम्हें छोड़ता हूं। ठीक है, कहां है मेरे को चाहिए, याद है आइस वन का अपन ने आयरन बर्न्स इन द फॉर्म ऑफ फाइन वायर का भी एक सवाल किया था, तो वो बैच वन के मोल्टन में था शायद? नहीं सवाल नहीं सर, बैच टू में भी किया था सर, सबने किया है सर वो आइस। ये रहा देखो एक बार ये वाला सवाल देखो, मैं इसी जो है सवाल को ठीक है एक बार मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, ओ शिट, हाँ जैसे तुम्हारा एक्चुअली है ना यार ये, हाँ देखो सपोज ये सवाल है, आयरन द फॉर्म ऑफ फाइन वायर बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म आयरन थ्री ऑक्साइड, Fe प्लस O2 गिव्स Fe2O3। ठीक है, यू कैन राइट दिस प्रॉब्लम वंस अगेन। ठीक है, एक सवाल वापस लिख लो सर, थोड़ा सा बड़ा करते हूँ। हाँ एक मिनट रुको, अभी ठीक है? हाँ जी सर, थैंक यू सर।
ठीक है। अच्छा आज आज मुझे बताओ ये सवाल देखो कैसे बना हुआ है कि तुम्हें पता है पिछले सारे सवालों में सब जगह लिमिटिंग रिएजेंट था। डू यू नो दिस, तुमने आज तक जितने सवाल किए हैं सब जगह लिमिटिंग रिएजेंट था लेकिन तुम्हें कभी मालूम नहीं चला वो चीज। जैसे मैं पहला एग्जांपल में लेके आया हूं अपना, तो आयरन आयरन द फॉर्म ऑफ फाइन वायर बर्न्स टू फॉर्म दिस, तो मेरे पास में रिएक्शन लिखी हुई है Fe plus O2 gives Fe2O3, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ O2 आर नीडेड टू प्रोड्यूस 5 मोल्स ऑफ Fe2O3, 5 मोल्स ऑफ Fe2O3 के लिए कितने मोल्स ऑफ O2 चाहिए। तो यहां पे जब तुमसे O2 पूछा है बच्चों, ठीक है, तो हम बताओ सिंपली क्या लगा देते हैं, हम देखो ये लगा देते हैं कि इसके इसके x मोल्स हैं एंड वी सिंपली यूज कि x बाय, ठीक है, बैलेंस कर लिया 3 बाय 2 और 2 Fe, x बाय 3 बाय 2 इज इक्वल टू क्या बताओ 5 बाय 1 लिख दिया। ये जो मैं x फाइंड करता हूं 7.5 मोल्स, ये एक बात समझो, ये 7.5 मोल्स ये हैं जो कंज्यूम हुए हैं। तो अगर मैं t इक्वल टू 0 पे तुम्हें ऐसा देता, t इक्वल टू 0 पे मैं तुम्हें देता कि मेरे पास में 100 मोल्स ऑफ O2 है, तो एक्चुअली क्या होता अनन्या, ठीक है, एक्चुअली क्या होता भाई, कितने मोल्स कंज्यूम हो गए बताओ इसके, 7.5 मोल्स कंज्यूम हुए कि नहीं हुए। तो मैं फाइनली क्या लिखूंगा बताओ, 100 मोल्स टोटल थे माइनस 7.5, ये मेरा अमाउंट बच गया है, ये मैं रिपोर्ट करता, द O2 लेफ्ट विद मी राइट नाउ इज 92.5। और क्योंकि ये पहले से Fe2O3 बिल्कुल नहीं था, बोलो नहीं था ना मेरे पास में, पहले से मेरे पास Fe2O3 बिल्कुल नहीं था, जीरो, तो जो मेरे पास फाइनली 5 बच गया, तो 0 प्लस 5 नॉर्मली क्या होता है, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स जो है वो एक्चुअली बिल्कुल जीरो होता है, तो तुम जो बनाते हो वही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रोडक्ट पहले से प्रेजेंट होगा। सो 92.5 क्या है, 92.5 फाइनली बचा हुआ अमाउंट है। अगर मैं इसको 200 लेता, सुनो देखो विदु, तो कंज्यूम तो मुझे बताओ 5 मोल्स के लिए 7.5 ही होता कि नहीं होता। हां सर। तो फिर मैं क्या बोलता बताओ कि मेरे पास ऑटो कितना बचा, तो मैं 200 माइनस 7.5 करता तो 192.5 हो जाता। सर ये सब मोल्स में है ना, ये सब सब कुछ मोल्स में है भाई। हाँ, लिमिटिंग रीजन नहीं निकाला, लिमिटिंग रीजन निकालने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि उसने मुझसे, देखो उसने मुझे क्या ऑलरेडी बता दिया है ना वेदांत कि 5 मोल बन चुका है, इट इज ओवर। लिमिटिंग रीजन की प्रॉब्लम तब होती है जब तुम्हें दो रिएक्टेंट गिवन हो। तो अभी हम ये मान के चलो वेदांत कि हम क्या अज्यूम कर रहे हैं कि क्या एक्सेस में है, हमारे पास उसकी कमी नहीं रहेगी। आयरन एक्सेस में है, तुम बस मुझे 7.5 मोल O2 दो, मैं तुम्हें 5 मोल Fe2O3 दे दूंगा, आयरन की कमी नहीं है। तुम्हें जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है, इन सारे प्रीवियस प्रॉब्लम्स में तुम्हें जिसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी, इन सब के अंदर क्या था बताओ, दैट अमाउंट वॉज कंसिडर्ड इन एक्सेस, दैट अमाउंट वॉज कंसिडर्ड इन एक्सेस। तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा इसमें लिमिटिंग रीजेंट नहीं होगा, एक बार बताओ ना। अरे भाई लिमिटिंग रीजेंट का यूज क्या है भाई वेदांत जी, बताओ ना, नालायक। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए चाहिए ना मुझे कितना बना प्रोडक्ट, अगर दो रिएक्टेंट दिए तो चाय कितनी बनेगी यही निकालना है ना। हाँ। अभी तो चाय पता है कि 5 गिलास बनी है, तो पता है ना तुम्हें चीनी कितनी लगी है उसके अंदर बेवकूफ। लिमिटिंग रिएजेंट क्यों निकालते हैं कि तुम दूध और चाय पत्ती का रेशियो लोगे ना, अभी कितनी चाय बनेगी उससे। हाँ। जब तुम्हें पहले से पता है कि 5 कप चाय बन चुकी है, तब तो जानते हो ना भाई दूध कितना लगा है, चाय पत्ती कितनी लगी है, अब क्या रेशियो, अब तुम किस बात को लिमिटिंग रिएजेंट निकाल रहे हो। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। देखो जैसे बस आज लास्ट, एकदम लास्ट, पक्का लास्ट एकदम, जैसे सपोज सपोज मेरे पास में, सपोज मेरे पास में एक रिएक्शन है, आई एक्चुअली वांट टू कॉपी दिस जो मैंने इवनिंग बैच वन में लिया था, पहले लिया था 2a plus 3b gives c plus 4d, ठीक है, 2a plus 3b gives c plus 4d, सपोज मेरे पास में ये रिएक्शन है, और सपोज t equal to 0 पे, t equal to 0 पे मेरे पास में देखो ये अपने पास में केसेस हैं कुछ, ठीक है, सपोज t इक्वल टू जीरो पे मेरे पास में 4 मोल्स इसके हैं, 6 मोल्स इसके हैं,
जीरो मोल्स इसके हैं, जीरो मोल्स इसके हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे पहले इसके अंदर जब जब भी मुझे दो रिएक्टेंट गिवन हो, आज से वेदांत जब भी दो रिएक्टेंट गिवन हो, ठीक है, तो मुझे हमेशा क्या चेक करना है, ऑलवेज चेक आज से LR। ये एक्चुअली प्रॉब्लम का साइन है, ऑलवेज चेक LR। LR चेक किया, बताओ क्या करूं, फोर सेम आ रहा है इधर, सेम सर, सही है सर, सर सेम आ, तो कोई LR नहीं है, सही बात है, बताओ। तो आज ये बताएं हम लोग अपने आंसर एक शॉट में निकालेंगे, इसके मोल्स, इसके मोल्स, इसके मोल्स, इसके मोल्स, तुम एक बार में लिखोगे बच्चों आज से, ये मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं, सो यू कैन बी फास्ट। तो मैं इसके नीचे डायरेक्टली क्या लिखूं बताओ, जीरो, ये तो खत्म हो गया ना, बताओ इसके नीचे जीरो, इसके नीचे बताओ मैं क्या लिखूं अब, जीरो, एक मिनट, तो इनमें से कोई रेशियो उठा लो, सपोज 4/2 उठा लिया, तो अब बताओ ये 4/2 से मैं कैसे आंसर निकालूंगा, 4 बाय स्टोशियोमेट्री इनटू किसका स्टोशियोमेट्री, इनटू 1 टू 1, यस, और इसका मोल्स कैसे आएगा, 4 बाय स्टोशियोमेट्री इनटू किसका स्टोशियोमेट्री, 4, ये समझ में आया क्या, बताओ, यस सर आया सर, बट अगर डी में ए वाले कंपोनेंट्स नहीं हुए, और अभी रुक जाओ यार, देखो सब सब डाउट क्लियर हो जाएंगे, बस मेरे साथ रहो, बी पार्ट देखो, देखो बी पार्ट में 2400 है, इट इज 2400, ठीक है, मैम का मैसेज है, हाँ हाँ श्योर मैम श्योर, 2400, हाँ भाई, फिर मैं क्या चेक करूंगा सर, ए लिमिटिंग सर, ए एल आर हो जाएगा, हाँ एक मिनट श्रीवत्सव माइक ऑन कर सकते हो बेटा, हो गया श्रीवत्सव भाई, चलो भाई कोई रिस्पांस नहीं, हाँ भाई 2/2 4/3 सही है, बोलो, यस सर, हाँ सर, कौन लिमिटिंग रीजेंट है भाई सर, 2/2 किसको पकड़ के तुरंत जीरो कर देता हूँ, अब ये LR है, ये रेशियो यूजलेस है, तो मैं सबसे पहले इसको जीरो कर दूंगा, अब बाकी की जगह पे क्या करूंगा मैं, ये रेशियो और ये रेशियो यूज, 4/3 into 1 हो जाए, इन अ वेरी सेंसिबल एंड इंटेलिजेंट वे, मैं पहले देखो ये बात ध्यान रखूंगा कि रिएक्टेंट कम होते हैं, तो बताओ क्या लिखूंगा, 2/2 into स्टोशियोमेट्री कितना है बताओ, 3 है, 3, यस सर, 3 मोल्स उसको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो गया ना, बताओ ये किसमें से सब्ट्रैक्ट हुआ, बताओ किसमें, 4 में से, ये मोल्स अब देखो यहाँ पे काम आएंगे 4 में से, समझा क्या तुम्हें ये, और इसमें क्या हुआ बताओ, एड हुआ, ठीक है, अब पहले से जीरो थे तो कुछ एड होने में दिक्कत ही नहीं है, बताओ कितना एड हो जाएगा, 2/2 into 1 ऐड हो गया, 2/2 into 4 ऐड हो गया, संगमित्रा तुम आई क्या भाई, यस सर, समझ में आया क्या संगमित्रा, यस सर, थोड़ा मेरे को हेल्प करोगी क्या नेक्स्ट वाले में, गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम माइक ऑन करते रहो बच्चों यार, 5610 पे, ठीक है, क्या तुम, क्या हम इतने कैपेबल हैं कि हम एक बार में चारों के नंबर्स, अब वो बगल में एक्स वाई और वो सब करे बिना सब्ट्रैक्ट ऐड करके ऐसे बता दें, एंड तुम्हें संगमित्रा जो बोलना है वो सॉल्व करके नहीं बताना है, यू हैव टू टेल मी आंसर इन दिस फॉर्मेट 2/2 into 4, ताकि मुझे समझ में आए तुम क्या गलत कर रही, अगर तुम गलत कर रही हो तो, सबसे पहले संगमित्रा हम क्या चेक करेंगे बताओ सर, लिमिटिंग रीजेंट कैसे चेक करेंगे सर, मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री सर, 5/2, यस गुड, एंड 6/3, गुड, कौन छोटा है सर, 6/3, यस, तो अब बताओ यहाँ पे किसके नीचे क्या क्या लिखूंगा सर, 6 के नीचे 0 हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, इसमें 6/3 into 5, डीप ब्रेथ्स, यस डीप ब्रेथ्स, आराम से आराम से आराम से, देखो तुम फर्स्ट टाइम लगा रही हो, समझना आसान है, वो लगाना मुश्किल हो जाता है, 6/3 से आंसर आएंगे, 6/3 तो मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री हो गया, अब ये इसमें तुम्हें हर जगह अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई करना है, या ओके ओके, 6/3 into 2 एंड 5 से माइनस कर देंगे सर, वेरी गुड, यस दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे क्या लिखूं, 6/3 into 3,
एंड नो सॉरी 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 वन इंटू वन एंड इसको किसी से माइनस नहीं उस प्लस माइनस कुछ नहीं करेंगे नहीं नहीं इसमें वन से प्लस करेंगे सॉरी क्योंकि यहाँ वन था देखो ये वन ये वाला वन है और ये वन ये वाला वन है दोनों अलग अलग है अब भाई बॉयज से मैं पूछ रहा हूँ डर लगता है बुला देते मनस्वी माइक ऑन कर सकती हो भाई बोलो ना बोलो तुम लोग नहीं होगा मनस्वी ऑन जल्दी जल्दी चाहिए तेजस्वी माइक ऑन कर सकते हैं बताओ सर मनस्वी है नहीं है नहीं अच्छा तेजस्वी माइक ऑन कर सकते हैं यस वेरी गुड तेजस्वी तेजस्वी देखो लास्ट देखो 3702 कुछ टफ नहीं है वही चीज रिपीट करनी है सबसे पहले बताओ क्या चेक करते हैं तेजस्वी अगर तुम बता पाओ तो एलआर हाँ भाई अद्वैत बताओ भाई सबसे पहले क्या चेक करें भाई सर लिमिटिंग रीजन कैसे थ्री वाला जो भी है कैसे क्या लिखूं वैल्यूज बताओ थ्री बाय टू और फिर सेवन बाय थ्री कौन छोटा है सर थ्री बाय टू यस तो अब क्या लिखूं बताओ इनके नीचे वैल्यूज सर तो पहला वाला जीरो होगा यस yes. दूसरा वाला रिएक्टेंट है ना तो सर थ्री माइनस थ्री माइनस नहीं होगा बेटा अच्छा सेवन सॉरी सेवन माइनस सेवन माइनस हाँ बोलेगा 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 हाँ बोलो सेवन माइनस फिर थ्री बाई टू इंटू थ्री वेरी गुड यस देखो एक बार में पहली बार में आदत डालना मुश्किल है लेकिन वो हमें सीखना पड़ेगा अगर हमें जल्दी करना है हाँ हाँ आगे बोलो प्रोडक्ट्स में जीरो प्लस एक वो हाँ तो थ्री बाई टू सेम सब जगह सेम रहेगा आगे हाँ थ्री बाई टू सब जगह सेम रहेगा और फिर ये हो जाता टू प्लस थ्री बाई टू इंटू फोर ओके आई थिंक समझ में आया होगा आई थिंक इट शुड बी वो प्रैक्टिस इट शुड बी वेरी क्लियर दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ मोज बेस्ट स्टेशनरी जो हम आज देख रहे हैं हम जो अब तक कर रहे थे बच्चों वाला काम था वो तो आई एम होपिंग फॉर ऑल दोज 84 स्टूडेंट्स सब कुछ तुम्हें क्लियर हो उसका देखो लॉजिक कुछ ऐसा है सी एच फोर प्लस टू ओ टू गिव सी ओ टू प्लस एच टू ओ लिखा हुआ है विदान मैंने इसके पांच मोल लिए इसके 9 मोल्स लिए इसके 0 और 0 मोल्स थे जब ये कंज्यूम होता है वेदांत तो ये 5 में से देखो एक एक करके ध्यान दे 5 में से सपोज तुमने एक कंज्यूम हुआ तो बताओ 9 में से कितना कंज्यूम होगा बताओ तो मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री लगाया जाता है वेदांत वो इस पार्ट पे लगाया जाता है मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री इस पार्ट पे नहीं लगाया जाता है मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री जो लिया है उस पे मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री लगाया जो कंज्यूम होता है उस पे लगाया जाता है तो 9 में से कितना कंज्यूम होगा बताओ 1 और 2 का रेशियो है कि नहीं बताओ नाइन में से कितना कंज्यूम होगा बोलो टू तो बताओ यहाँ पे कितना बनेगा बताओ जब एक कंज्यूम हुआ है तो एक बनेगा ना भाई तो कितना बनेगा तो ये जब ये माइनस वन और माइनस टू होते हैं तो ये प्लस वन और प्लस टू होते हैं ये समझ में आया कि बताओ लॉ ऑफ मास ऐसे फ्लो करेगा ना कि जितना रिएक्टेंट कंज्यूम होगा उतना बनता जाएगा ना बताओ धीरे धीरे तो थोड़ी देर बाद में अगर मैं फिर से अगर करूं ये सपोज t इक्वल टू 1 सेकंड था t इक्वल टू 2 सेकंड पे मान लो 5 में से 3 मोल खत्म हो गए हैं इसके तो बताओ अब बताओ 9 में से कितने खत्म हो जाएंगे बताओ 6 ये देखो यूनिटरी मेथड चल रहा है यही तो मोल्स बाय स्टोशियोमेट्री है दैट 3 बाय 1 इक्वल टू 6
by 2, consumed by 1, consumed by 2, equal to produced. 3 by 1, equal to produced. 6 by 2. अब finally बताओ मुझे t equal to infinity पे कोई एक समान पूरा खत्म होगा कि नहीं होगा बताओ. तो मान लो तुमने 5 minus 5 कर दिया. तो बताओ 5 minus 5 करते ही मुझे 9 minus क्या करना पड़ेगा बोलो. 9 minus 10 करना पड़ेगा. अब बताओ ये possible है कि 9 minus 10? नहीं possible है. Possible नहीं है तो इसका मतलब तुमने ये गलत लिया ना बताओ. मतलब इसका मतलब पहले कौन खत्म हुआ था बताओ. O2 खत्म हुआ था O2. पहले तो यहाँ पे 9 minus क्या लिखूंगा बताओ. 9 लिखेंगे. इसलिए बताओ कि अब CH4 कितना खत्म होगा बताओ. CH4 5 minus 4.5 खत्म होगा ना भाई. हाँ. तो ये कितना बनेगा बताओ. 9 by 2 है कि नहीं बताओ. 9 by 2 into 1 9 और ये कितना बनेगा बताओ. 9 by 2 into 2 बोलो है कि नहीं. 9 by 2 into 2 हाँ. moles by stoichiometry 9 by 2 सही. 1 3 5 और 4.5 आपने रैंडम लाइक moles by stoichiometry का आपने रैंडम रेशियो लिया है क्या. 1 3 5 4.5 क्या 1 3 5 4.5 भाई जो आपने लिखा है 5 minus 1 5 minus 3 5 minus 5 5 minus तो 5 minus जो यार हाँ धीरे धीरे कंज्यूम करवा रहा हूँ वेदांत ना एक एक करके यार. तुम यही सोचते रहते हो क्या रैंडम है क्या क्या है. अरे भाई सब रैंडम ही तो है अभी बैठ के बनाया सवाल ना. पहले एक मोल खत्म हो रहा है दो मोल खत्म हो रहा है तीन मोल खत्म हो रहा है धीरे धीरे सामान खत्म हो रहा है भाई. फाइनली मेरे पास में ये जीरो बचा कि नहीं बचा भाई. हाँ बच गया. 0.5 बचा कि नहीं बचा भाई. हाँ बच गया. ये 4.5 हुआ और ये 9 बना कि नहीं बना भाई. हाँ हाँ हाँ. ये चीज मैं तुमसे एक बार में यहां से यहां लाना चाहता हूं मैं तुमको. ये एक बार में कैसे आती तुम चेक करते. 5 by 1 9 by 2 कौन लिमिटिंग एजेंट बताओ बोलो. 9 by 2 लिमिट. इसलिए उसका एक बार में क्या आंसर आता बताओ. 0 0. फिर तुम क्या सब्ट्रैक्ट करते बताओ. 9 by 2 लिमिटिंग रीजन तो सब जगह क्या करते बताओ. 9 by 2 into 1 5 minus ये करते कि नहीं करते. हाँ, 9 by 2 into 1 plus 0 और 9 by 2 into 2 वही तो किया है हमने. अच्छा हाँ समझ गए क्या भाई. हाँ समझ रहे. चलो सभी लोग समझ गए ऐसी बहाने थोड़ा थोड़ा अच्छे से. हाँ सर. हाँ सर. चलो सर मेरे को डाउट है सर. हाँ बोलो सर. वो आपने सर वो 3/2 सर रेशियो लेके सर सब में ऐड किया ना. 3/2 रेशियो लेके सब में ऐड किया मैंने. क्या बोल रहे हो यार. सर वो लास्ट वाले क्वेश्चन में सर इसके ऊपर वाला. हाँ सब में ऐड किया. 3/2 लिया है ना सर. ऐड या सबट्रैक्ट रिएक्टेंस में सबट्रैक्ट किया और उसमें ऐड किया. हाँ 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 हाँ. तो सर ऐसा क्यों कर रहे हैं सर. मतलब जरूरी थोड़ी ना कि जो 3/2 वाला है सर उसके जो भी कंपोनेंट्स है वो COD में भी हो. अरे क्या बात कर रहे हो यार. वो बैलेंस स्टोइकोमेट्री रिएक्शन है यार. 2, 3, 1 और 4 बैलेंसिंग का मतलब क्या है फिर यार. कि ये 2 और 3 कंज्यूम होता है तो 1 और 4 बनता है यार. क्या बोल रहे हो. कंपोनेंट उसमें नहीं हो. क्या क्या बोल रहे हो समझ में नहीं आया. तुम क्या बोल रहे हो कि जरूरी नहीं है सर ये 1 और 2 कंज्यूम होंगे तो ये 1 और 2 बनेंगे. ये बोल रहे हो क्या तुम. सर मैं उसके हिसाब से बोल रहा हूँ सर. एलिमेंट्स के हिसाब से बोल रहा हूँ सर. अरे एलिमेंट्स है कहाँ बेवकूफ. ABCD है भैया. मुझे नहीं पता ना केमिकल. क्या बोल रहे हो सतगुन यार. तुम भी कम नहीं हो एकदम. एक तो चैंपियन हो एकदम यार. क्या अबे यहाँ पे कोई एलिमेंट है क्या ABCD में. अच्छा चलो गाइस सबको समझा गया भाई. हाँ सर. चलो सर. चलो थैंक्स अ लॉट. यू हैव बीन अ वंडरफुल ऑडियंस. मैं इसको एंड करता हूं यहां पे. तुम्हारे क्लास में तुम्हें ब्रेक थोड़ा मिल जाएगा आराम से. थैंक यू सर. बाय ओके सर. थैंक यू सर. असाइनमेंट तुम्हें थैंक यू सर. एक्चुअली रीजन का पार्ट भी करना है. नहीं सुनो लिमिटिंग रीजन का सेक्शन जो है तुम अभी भी छोड़ सकते हो. मैं थोड़ा और प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हें तब तुम उसे करना. मैं तुम्हें ग्रुप पे मैसेज डालता हूं. रुको. ओके सर. थैंक यू सर. लास्ट ऑफलाइन कब होगा सर. क्या चीज. ऑफलाइन क्लास कब होगा सर. ऑफलाइन क्लास तो बेटा आप क्या बताएं कब होगा यार. इसका तो जवाब मेरे पास भी नहीं. ऑनलाइन बहुत पकता है सर. सच बोल रहा हूँ. सही बात है. तब तक सेंटर्स पे आते रहो टीचर से मिलते रहो थोड़ा. हाँ सर वो भी है. ठीक है सर. ओके चलो बाय बाय.
थैंक यू सर बाय सर
मैम